जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। तो आज से एक और बेहतरीन टॉपिक टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल को लेकर अपन टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक होगा, जिसमें राजस्थान एक परिचय, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को अपन यहाँ पर लेकर आए हैं। पशु परिचर, CET, रीट, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, पटवार, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और साथ में ही जो क्लासेंस करती की टेस्ट सीरीज चल रही है शाम को 8 बजे, वो भी आप देखते रहिए, वहाँ पर 10 टॉपिक हो चुके हैं। तो करते हैं शुरुआत, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसकी शुरुआत। पहला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मुल्लर, V.A. स्मिथ। आप भी साथ के साथ में प्रश्नों के उत्तर अपने मन में या फिर आप कहीं पर भी लिख सकते हो, और अपना जो टेस्ट है वो आप दे सकते हो। 30 प्रश्न होते हैं, 30 में से आप कितने सही कर पाते हो वो आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में प्रथम बार राजपूताना नाम का प्रयोग किया था, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? राजस्थान नामकरण, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मुल्लर, V.A. स्मिथ। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है, इसका हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 23 मार्च, 30 मार्च, 21 मार्च, 21 फरवरी। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च को, ठीक है। और 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थानी भाषा दिवस, ठीक है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 है, 100 टापों या फिर द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 100 टापों या फिर द्वीपों का शहर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है कि इसका आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। दूसरा ऑप्शन है कि इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन है इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। और चौथा ऑप्शन है इसका क्षेत्रफल वर्ग 342,239 किलोमीटर है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आकार विषमकोणीय त्रिभुज के समान है, ये तो कथन सही है। उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर है, ये भी सही है। क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है सी वाला, ये क्या इसमें, ये गलत है, ठीक है। इसकी स्थलीय सीमा दी हुई है 6920 किलोमीटर, ये गलत है। कितनी है? 5920 किलोमीटर, ठीक है। ये है स्थलीय सीमा की लंबाई, जिसमें 4850 अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है,
और 1000 अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। 4850 प्लस 1070 किलोमीटर, तो ये कुल मिलाकर 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। और पूर्व से जो पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है यहाँ पर, तो उसका 869 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न नंबर 5 है इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। देखिए 41 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 45 किलोमीटर या फिर 52 किलोमीटर, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है। करो माइनस 3 और 4, कितनी हो गई, 43 किलोमीटर। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर। इसके बाद जो विकर्ण होते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उसकी जो लंबाई है 850 किलोमीटर है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो लंबाई है 784 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये विकर्णों की लंबाई है, और यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राजस्थान का जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, जैसलमेर, ठीक है। देखिए जो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं, श्रीगंगानगर हैं, अनूपगढ़ आ गया, बीकानेर हैं, जैसलमेर हैं और बाड़मेर में, ठीक है। तो 5 तो ये हैं, और एक जो फलोदी है उसको लेकर अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनमें जो फलोदी जिला है उसको पाकिस्तान की सीमा में बताया गया है, और जो बाकी जो बुक आ रही है उसमें इसको हटाया गया है। तो अभी आप 5 जो ज़िले हैं वो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, 1977, 1987, 1991, 1982, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए अजमेर राजस्थान का छठा संभाग ये बना था 1987 में, तब कौन सी सरकार थी, हरिदेव जोशी की। देखिए संभागीय जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में, ठीक है। कब हुई थी, 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, उस समय कितने संभाग थे, 5, ठीक है। जब संभागीय शुरुआत हुई थी संभागीय व्यवस्था की 1949 में, उसमें 5 संभाग थे, कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ठीक है। फिर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को, ठीक है, हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया, और उसके बाद में जो छठा संभाग था वो बना था अजमेर 1987 में। इसके बाद सातवां संभाग का बना 4 जून 2005 में, ठीक है, 2005 में सातवां संभाग बना था भरतपुर। इसके बाद में जो 3 संभाग अभी नए बने थे 7 अगस्त 2023 में, कब ने, 2023 में, 7 अगस्त 2023 में, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। तो कुल मिलाकर संभागों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 10 संभाग, ठीक है, वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर है 1987। चलिए अगला प्रश्न है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, जोधपुर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जैसलमेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
ऐतिहासिक स्थल जावालीपुर की आधुनिक पहचान है। जावालीपुर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही या फिर नागौर। तो जावालीपुर किसका नाम था? जालोर का। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सो द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? देखिए, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो ये इसमें क्या सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर आएगा जोधपुर। कौन सा आएगा? जोधपुर। बाकी सो द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर। क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पर भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी भी इसका नाम है, अभ्रक नगरी भी इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर है भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले सम्मिलित नहीं है? सिवी, चित्तौड़गढ़, जंगल देश बीकानेर, सपादलक्ष, सीकर और झुंझुनू, अर्बुद, सिरोही। तो इसमें कौन सा असम्मिलित है? देखिए राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सपादलक्ष। सपादलक्ष है सांभर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, बाकी सिवी, चित्तौड़गढ़, जंगल देश बीकानेर और अर्बुद, सिरोही, सभी के सभी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का औद्योगिक शहर कौन सा है? कोटा। ऑप्शन नंबर बी, कोटा को शिक्षा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, शिक्षा की नगरी कोटा। और राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है कोटा को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्को यांचक कहा जाता है? वर्को यांचक, माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर, उदयपुर। राजस्थान का वर्को यांचक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है माउंट आबू। कहाँ पर है ये? सिरोही में। कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही। और ये राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है माउंट आबू। प्रश्न नंबर 16, किस नगर को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? जिलों की नगरी, अलवर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। देखिए जिलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 17 नंबर है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, 9%, 11.50%, 15%। क्या हुआ इसका राइट आंसर? 10.41%, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? देखिए इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, देखिए कर्क रेखा की भारत में बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने? 8, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। यानी कि 8 राज्यों से गुजरती है भारत के अंदर, और राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। देखिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा कौन से जिले में रही है? तो यहाँ पर राइट आंसर है बाड़मेर। ठीक है,
बाड़मेर, बाड़मेर की सीमा कहाँ कहाँ लगती है? एक तो लगती है गुजरात के साथ में, ठीक है, जो गुजरात साथ में लग रही है, और एक लग रही है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान, ठीक है। और गंगानगर जो है, गंगानगर, गंगानगर की सीमा भी लग रही है पंजाब के साथ में और पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। तो गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों से लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह ज़िला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश साथ में सीमा रखता है, वह है बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बताओ। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसकी सीमा लगाता है, तो धौलपुर है, धौलपुर सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में, ठीक है। बाकी जो हनुमानगढ़ हैं, देखिए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की सीमा कहाँ कहाँ लग रही है? पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के साथ में, ठीक है। उसके बाद डीग, अभी नया जिला बना डीग, डीग की सीमा लगती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बांसवाड़ा की लग रही है इधर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की लगती है एमपी यानी मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश गुजरात, और धौलपुर की उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है। तो राइट आंसर है धौलपुर। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर है, रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है, रेड क्लिप रेखा हिंदुमल कोट गंगानगर से बक्सर बाड़मेर, कोणागांव गंगानगर से सागर जालौर, हिंदुमल कोट गंगानगर से सागर जालौर, कोणागांव गंगानगर से बक्सर बाड़मेर, रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए हिंदुमल कोट गंगानगर से बक्सर बाड़मेर तक, ठीक है, यह रेड क्लिप रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो लग रही है। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? बास्केटबॉल जो राज्य खेल है, 1984, 1958, 1948, 1953, तो राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित किया गया था? तो राइट आंसर 1948 में, ठीक है, कौन सा राज्य खेल? बास्केटबॉल। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा, लिलियम, टेकोमेला अंडुलेटा, हेलियनथस साइडियम गुआवजा, क्या होगा इसमें राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम? तो इसमें जाएगा बी ऑप्शन, टेकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। और कब घोषित हुआ था राज्य पुष्प रोहिड़ा? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1983, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो राज्य पुष्प रोहिड़ा है इसका उपनाम क्या है? तो इसको रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ टिक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 24 नंबर है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? सबसे पहले तो खेजड़ी, ठीक है, खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, साइडियम गुआजवा, ओरिजा सतीवा, तो वैज्ञानिक नाम है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था? 31 अक्टूबर 1983 को। अगला प्रश्न,
25 नंबर हैं, राजस्थान का राज्य पशु है बाघ हाथी मोर ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु, तो क्या आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा ऊंट। ठीक है, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था, 19 सितंबर 2014। ठीक है, इससे पहले क्या था राज्य पशु, चिंकारा। ठीक है, चिंकारा को 1981 में घोषित किया गया था राज्य पशु, और वर्तमान में ऊंट है जिसको 19 सितंबर 2014 को घोषित किया गया। देखिए राज्य पशु जो ऊंट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो राइट आंसर है ऊंट। इसके बाद देखिए 26 नंबर, राजस्थान का राज्य पक्षी हैं मोर तोता गोडावण नीलगाय। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण। ठीक है, देखिए गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, इसको 1981 में घोषित किया गया था, 1981 में। और ये कहाँ पर मिलता है, तो मरु उद्यान जैसलमेर, सोकलिया अजमेर और सोरसन बारा। इसको मालमोरड़ी होकना सोहन चिड़े इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, उपनाम है इसके। ठीक है, क्या क्या, मालमोरड़ी होकना सोहन चिड़िया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका वैज्ञानिक नाम है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर की गई, उदयपुर बाड़मेर डूंगरपुर उदयपुर व पाली चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा उदयपुर उदयपुर सिरोही व पाली। बताओ जो प्रतापगढ़ जिला बना कौन सा जिला था, ये 33वां। ठीक है, 33वां जिला कब बना था, 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, 26 जनवरी 2008। ठीक है, 33वां जिला बना था और ये चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा और उदयपुर, ठीक है, इन तीनों से मिलकर बना था प्रतापगढ़। इसके बाद देखिए अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, 50। कितने जिले हैं, 50। बाकी जिले कब घोषित हुए थे, तो ये 50 जिले 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, 7 अगस्त 2023 को 50 जिले और संभाग कितने हो चुके थे, 10, यानी 3 नए संभाग बने थे और 19 नए जिले। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है जामनगर मुंबई ओखा कांडला। तो सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांठल नाम किससे संबंधित है, कांठल बीकानेर सिरोही जोधपुर प्रतापगढ़। तो कांठल आएगा प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है यानी जो माही नदी निकल रही है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र प्रतापगढ़ में क्या कहलाता है, कांठल। अगला प्रश्न 30 नंबर, और आज से राजस्थान भूगोल की जो टॉपिक टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी है, साथ में ही क्लास संस्कृति की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो दोनों क्लासों का आप फायदा उठाए। ठीक है, आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। देखिए लास्ट प्रश्न है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम था सिवी मरु चित्रकूट जंगल। तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था, यहाँ पर राइट आंसर है सिवी। ठीक है, क्या नाम था, सिवी। और जो मरु हैं, ये मरु किसका नाम था, ये मारवाड़ और जोधपुर, जंगल बीकानेर, चित्रकूट ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिवी। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण 30% थे राजस्थान ज्योग्राफी के। बाकी मिलते हैं शाम की क्लास में राजस्थान क्लास संस्कृति के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।